फ्रेंड्स अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मैं न्यू रेसिपी। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन तहरी की रेसिपी, और वो भी इजी तरीके से और हैदराबादी स्टाइल में, और खाने में तो इतना टेस्टी था। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन ली हूँ, और 1.5 किलो चिकन में फिर मैंने 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से, और मैंने 1 नींबू का रस निकाल के उसमें मिलाई। फिर उसमें मैंने 1/2 किलो के करीब मेरे पास दही था, वो भी मैंने उसमें ऐड करी। और ये तहरी में टमाटर कम यूज़ होता है, दही से ज़्यादा टेस्ट आता है, इसके लिए दही अच्छा डाली उसमें। फिर उसको मैंने अच्छे से मिक्स करके उसको 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ी थी। फिर उसको उसके बाद मैंने तेल डाली, मैंने तेल में कुछ खड़े गरम मसाले को ऐड करी, उसमें ज़ीरा, साजीरा, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, और बस इतना। और वो साजीरा है ना वो भी डाली थी उसमें मैंने। फिर मैंने 1/2 किलो के करीब मैंने कांदे को स्लाइसेस में काट के उसमें वो भी मैंने अच्छे से हल्का ब्राउन होए तक उसको मैं फ्राई करूँगी। डार्क ब्राउन नहीं करने का है, हल्का ब्राउन। देखिए मेरा हल्का ब्राउन हो चुका है। फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन और 7 से 8 मैंने हरी मिर्ची पीसी थी, वो भी उसमें मैंने मिक्स करी। और मैंने क्योंकि इसमें मिर्ची पाउडर भी डाली, इसके लिए मैंने हरी मिर्ची टेस्ट के हिसाब से मैंने रखी हूँ, तो मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना जब तक अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म ना हो जाती जब तक। फिर जो मैंने मसाले को मैंने मिक्स करके रखी थी सब, वो भी मैंने उसमें मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद 10-15 मिनट उसको अच्छे से भुनना, और भुनने के बाद उसको जो टमाटर को मैंने बारीक चॉप करके रखी थी, ये सिर्फ 1/4 किलो के करीब ही है टमाटर, क्योंकि मैंने टमाटर कम यूज़ करी हूँ, दही मैंने ज़्यादा डाली इसमें इसके लिए। उसको भी अच्छे से मिक्स करें। फिर मिक्स करने के बाद उसको 10 मिनट तक ऐसे ही पकने छोड़ दे, क्योंकि चिकन का पानी और टमाटर का पानी आ जाएगा ऊपर। फिर उसमें मैंने 2 बटाटे को मैंने काट के ऐड करी। बटाटा ऑप्शनल है, अगर आपको डालना तो डालो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते। फिर ये गरम मसाला पाउडर तो घर का बना हुआ, उसमें वो मिक्स करी, और थोड़ी सी मेरे पास कस्तूरी मेथी भी रखी हुई थी, कस्तूरी मेथी भी मैंने ऐड करी। कस्तूरी मेथी भी आप ऑप्शनल में है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर मसाला अच्छे से भुनाए। भुनने के बाद मैंने अदन के लिए मैं उसमें भी पानी को ऐड करूँगी, और मैं पानी कभी भी अदन में गर्म पानी करके ही उसमें मिक्स करती हूँ। फिर मेरे पास और मेरे को टेस्ट मिर्ची का ज़रा कम लगा, तीखापन ज़रा कम था, 4 से 5 मिर्ची को और कोथिमीर और पुदीना वो भी मैंने ऊपर से ऐड करी। आप उसमें चखे मिर्ची और नमक को अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने चावल को 1/2 घंटा पहले मैंने वॉश करके रखी थी, उसको भी मैंने उसमें मिक्स करी। और अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर उसको अच्छे से 10 मिनट तक मैंने मिक्स करी। उसके बाद मैं अभी इस दम पे लगा दूँगी चावल को, क्यों मेरा आधा चावल पक चुका है। और आपको दम पे लगाने के बाद फिर मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। और इतना खाने में टेस्टी था, और अगर ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और उसके साथ मैंने कांदे का मैंने वो नींबू वाला सलाद भी बना के रखी थी। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।